हरकतों से अगर बाज नहीं आएंगे तो हमको उनको सुधारना आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीन खबर। कहते हैं भाई साहब कि अगर जोश, जवानी और रफ्तार एक साथ मिल जाए तो हादसे तो फिर होते ही हैं। ऐसे ही कल हादसा सेंट्रल एवेन्यू रोड पर देखने को मिला, जहां पर एक केटीएम एक बाइक को ठोकती है और हवा में उड़ते पेड़ को छीलते हुए सीधा जमीन पर आ गिरती है और इसमें कई लोग चोटिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता इतनी महंगी महंगी बाइक दिलवाते हैं। मेरे पीछे देखिए, देख रहे हैं आप, ये बाइक्स लाख डेढ़ लाख रुपए की हैं। माता पिता ऐसी बाइक दिलवाते हैं और ध्यान भी नहीं देते कि बच्चे इस बाइक के साथ कर क्या रहे हैं। खिलौना बनाकर ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, पेरेंट्स को बुलाया गया है, समझाइश दी गई है। आइए जानते हैं कि आगे क्या कार्रवाई इनके साथ होने वाली है। ये कार्रवाई सर कब तक जारी रहेगी? ये कार्रवाई पुलिस की रूटीन कार्रवाई है। पुलिस इससे ऐसा नहीं कि ये पहली कार्रवाई है, इससे पहले भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहे हैं। ये चूंकि मीडिया में हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये जो लड़के मीडिया में यूट्यूब अपना अपलोड किए थे, अदरवाइज मोटर व्हीकल की और चलानी कार्रवाई जो है पुलिस रूटीन पे करती है। और इस संबंध में जो एक यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो अपलोड हुआ था, उस वीडियो के माध्यम से इनकी पहचान क्लियर होने के बाद पे इन पर जो IPC की 279 सेक्शन है उस पर से FIR करने के उपरांत पे अभी MV Act में भी अलग से जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है सर, जब पुलिस कार्रवाई करती है हेलमेट वगैरह या लाइसेंस चेक करती है, तो ये बाइकर्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से गाड़ी निकाल के चले जाते हैं। इनका चलान नहीं हो पाता, ये तो नहीं कटते, पर इनकी वजह से कोई और कट जाता है, तो इनको सड़कों पे डायरेक्ट पकड़ने के लिए कुछ कार्रवाई, कुछ तैयारी पुलिस की है? इन पे ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई बिल्कुल पहले भी हुई होगी, चलानी वगैरह कार्रवाई हुई होगी जिसमें इन्होंने चलान पटाया भी होगा। बट कुछ वो बदमाश कहना चाहिए, बदमाश किस्म के लड़के होते हैं जो बिल्कुल मानते नहीं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसमें पुलिस चेक करती है तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी इस डर से कि कहीं गिर ना जाए बोलते उनको फॉलो नहीं करती है, और इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और कभी ना कभी पकड़े जरूर जाते हैं। मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी आम लोगों से अपील है, और ऐसे लड़कों से खास करके बिल्कुल मैं सख्त हिदायत देते हुए बोलना चाहता हूँ कि ये जो हरकतें हैं अपनी छोड़ दें। हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, वो उसमें आपका ज़्यादा फायदा है, क्योंकि कभी ना कभी गिर के आपको चोट लग सकता है, आपके परिजन अगर आपके साथ बैठे उनको चोट लग सकता है, और आपके कारण कोई इनोसेंट पर्सन जो बगल से आपके चल रहा है वो भी सुरक्षित नहीं है। सर अभिषेक पल्लव सर जब SP थे, हमने देखा था कि डायरेक्ट कार्रवाई की जाती थी और उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता था, तो उस प्रकार की कार्रवाई या उस प्रकार के पकड़ने वाली कार्रवाई क्या हमें भविष्य में देखने मिलेगी? ये लगातार ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चल रही, अभी भी हम लोग लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मीडिया वगैरह में भी आता ही रहता है कि हम लोग क्या कार्रवाई किए हैं बोल के, और ये जो आज की कार्रवाई है ये तो लाइव ही किया है हमने, और लाइव में बिल्कुल दिखेगा ऐसा। जी क्या संदेश देना चाहेंगे सर ऐसे युवाओं को जो इस प्रकार की हरकत करते हैं और अपनी जान के साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से ऐसे युवाओं को, ऐसे लड़कों को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। हरकतों से अगर बाज नहीं आएंगे तो हमको उनको सुधारना आता है, और हम सुधारेंगे तो हमारा जो तरीका हो सकता है कि उनको पसंद आए। जी सर, सभी देखा गया है आजकल स्कूल स्टूडेंट जो है, जो माइनर्स हैं, वो भी स्कूल में गाड़ियां लेकर जाते हैं। ये जानकारी रहती है स्कूल प्रशासन को भी कि ये माइनर हैं और इनका अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा, फिर भी वो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, तो इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भविष्य में देखने मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इस संबंध में हमारे ट्रैफिक DSP सर जो हैं बहुत एक्टिव हैं और लगातार स्कूल प्रशासन से हम लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं इस संबंध में, और इस घटना के बाद हम लोग निश्चित रूप से स्कूल प्रशासन वगैरह को भी, जो हमारे क्षेत्र में जितने स्कूल हैं सभी को हम लोग पत्राचार करेंगे कि जो भी बाइक वगैरह में आते हैं बिना लाइसेंस के आ रहे हैं या यातायात नियमों का पालन करते बिना किए आ रहे हैं उन पर स्कूल प्रशासन भी कार्रवाई करे। जिला के रोड पे बहुत ही जो व्यस्ततम रोड है वो रोडों पे बहुत ही गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं। जब YouTube के वीडियो को हमने एनालिसिस किया उसमें कुछ नंबर्स अपने को मिले, नंबर्स के आधार पे हम लोग फाइनली जो है 5 लड़कों को, जिसमें से एक माइनर भी है, इनको हमने पकड़ा और पकड़ के उनकी बाइक्स वगैरह को जब्त की, उसमें प्रॉपर एक FIR किया, 279 IPC के तहत FIR किया, और MV Act की धाराएं उसमें अलग से जुड़ रही हैं। करने के बाद में जब विवेचना मिली तो पता चला ये लोग एक व्लॉग वगैरह बनाते हैं स्टंट के, और इसमें कि उनका स्टंट ट्रेनर भी है जो प्रदीप करके लड़का है, वो स्टंट ट्रेनर है और स्टंट के संबंध में बाकी लोगों को भी ट्रेन करता है। सभी को पकड़ने के बाद पे पुलिस हिरासत के लेकर सुकेला थाना लाई, और सुकेला थाना लाकर इनको कड़ी हिदायत दी गई है कि दोबारा ऐसा ना हो और ऐसी कोई स्टंटबाजी करते हमें एरिया में नहीं मिलना चाहिए। इनके अलावा बाकी लोग जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो महंगी बाइक वगैरह में, रेसर बाइक वगैरह में घूम रहे हैं, सभी से मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की स्टंटबाजी और ऐसी असावधानीपूर्वक कोई भी हरकत ना करें जिससे उनकी जान को भी खतरा हो और उनके साथ में दूसरों की जान को भी खतरा हो।
और देखने को मिलता है कि अक्सर करके कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं, कई इनोसेंट लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं जिनकी गलती नहीं होती है, उनके बगल से कोई स्टंट मारता है इस तरीके से, कोई प्रेशर हॉर्न बजाता या कोई और चीजें करता, बदमाशी करता, निकल जाता है और वो दुर्घटना के शिकार वो सामने जो इनोसेंट पर्सन होता है वो हो जाता है। तो मेरी सभी से अपील है और ऐसे लोगों से कड़ाई से उनको हिदायत भी है कि सुधर जाए, वरना दुर्ग पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और बिल्कुल इस चीज में हिचके की नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं कि गरीब बच्चे हैं, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय से उनको अधिक से अधिक फाइन हो। जिस तरीके से गाड़ियां मिली है, नंबर किसी में नहीं है। इस बारे में मैं पूरी तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा, बट जो हाँ जो आज जो तथ्य सामने आए हैं, जितनी गाड़ियां मिली किसी गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्टंट वगैरह करते हैं, इसके रील्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए शायद नंबर निकाल देते होंगे ताकि नंबर के माध्यम से पहचान ना है। लेकिन एक गाड़ी में जो हमको कुछ लिखा हुआ दिखा उसके आधार पे हम लोग इन तक पहुंचने में सफल रहे हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बिना नंबर की गाड़ी में एक घूमते लड़के जो घूम रहे हैं, बहुत कम उम्र के लड़के हैं और ज़्यादा बहुत हाई प्रोफाइल घर से भी नहीं है, बहुत संपन्न घरों से भी नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हैं।